हेलो चिल्ड्रेन इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो हाउ वी कैन सिलेक्ट और एक्सेस डेटा फ्रॉम अ डेटा फ्रेम हम डेटा फ्रेम में से डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं कैसे फेच कर सकते हैं मतलब उसको कैसे आप ले सकते हो और उसके बाद डिस्प्ले करा सकते हो फाइन तो सबसे पहले हमारे पास है कॉलम सिलेक्शन ओके okay? तो डेटा फ्रेम में आप कॉलम्स को कैसे एक्सेस करके कैसे उनको डिस्प्ले करा सकते हो राइट टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम डेटा फ्रेम से क्या करना है, है. है तो यहाँ पे डेटा फ्रेम का नेम एंड्रैकेट्स में आप दोगे वो कॉलम जो आप एक्सेस करना चाहते हो सिलेक्ट करना चाहते हो ओके okay? और कॉलम नेम को हमने दिया है सिंगल कोर्स में ओके okay? या फिर आप कैसे इसको दे सकते हो डेटा फ्रेम का नेम ओके डी डॉट कॉलम नेम फाइन ओके हमारे पास डेटा फ्रेम डी थ्री है ओके okay? अब यहाँ पे इस डेटा फ्रेम में क्या है थ्री कॉलम्स हैं एंड फोर रोज हैं ओके अब हम क्या करेंगे कॉलम को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया डेटा फ्रेम का नेम लिया डी टी एफ थ्री ओके एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने कॉलम का नेम दे दिया तो मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन कॉलम का नेम दे दिया ओके okay? नो uh, no. uh, तो हमारा आउटपुट देखो यहाँ पे क्या आ गया है कॉलम का नेम आ गया यहाँ पे आपका uh, जो ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन कॉलम है ओके okay? वो आपका यहाँ पे आ गया अलोंग विद द रो इंडेक्स फाइन क्योंकि यहाँ पे जो लो आप रो लेबल भी बोल सकते हो रो इंडेक्स भी बोल सकते हो ये आपके रो लेबल है ओके okay. ये आपका रो रो लेबल है ये आपके कॉलम लेबल है ओके या आप इसको रो इंडेक्स बोल सकते हो इसको कॉलम इंडेक्स बोल सकते हो ओके तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा पॉपुलेशन कॉलम आ गया है सिंगल फाइन अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो आ, जो डिफरेंट वे है वो क्या है डी टी एफ थ्री डॉट ओके एंड नेम ऑफ द कॉलम तो आपने क्या किया डेटा फ्रेम का नेम डॉट नेम ऑफ द कॉलम पॉपुलेशन कॉलम दे दिया तो आपको देखो यहाँ पे पॉपुलेशन कॉलम आ गया है अलॉन्ग विथ द इंडेक्स रो इंडेक्स तो ये हमारा ये क्या है रो इंडेक्स या रो लेबल फाइन वेरी सिंपल अगर आपको सिंगल कॉलम एक्सेस करना है तो आप इस 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 तरह से उसको एक्सेस कर सकते ओके okay. अब अगर हमें डेटा फ्रेम में से मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है या एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे टू सिलेक्ट मल्टीपल कॉलम्स यू कैन गिव अ लिस्ट हैविंग मल्टीपल कॉलम नेम्स इन साइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स विद डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट एज फॉलो ओके तो इस केस में अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे डेटा फ्रेम का नेम ओके एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप दोगे लिस्ट ऑफ कॉलम्स जो आप एक्सेस करना चाहते हो ओके लिस्ट ऑफ कॉलम दोगे तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया डी टी एफ थ्री हमारा डेटा फ्रेम है डी टी एफ थ्री ओके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिस्ट ऑफ कॉलम्स को को पास कर दिया कि जो जो आप कॉलम्स एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन कॉलम लिया है और एवरेज इनकम लिया है ओके तो यहाँ पे देखो यू कैन सी द आउटपुट पॉपुलेशन कॉलम आया है आपका एवरेज इनकम कॉलम आया है और ये आपका क्या है रो इंडेक्स है फाइन दो कॉलम्स आ गए आपके पास ओके सो दिस इज वेरी सिंपल आपको क्या करना है सिंपल डेटा फ्रेम का नेम ओके okay? और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या पास करनी है लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास कर मतलब कॉलम नेम्स की लिस्ट पास करनी है जो जो कॉलम आपको एक्सेस करना है ओके okay. अगर मुझे ऑर्डर चेंज करना है एक्सेस करते टाइम कॉलम्स का तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने डी कॉलम का नेम लिया एवरेज इनकम जो लिस्ट पास की है कॉलम्स नेम्स की एवरेज इनकम को मैंने पहले लिया है एंड पॉपुलेशन को बाद में ओके okay? तो आप यहाँ पे आउटपुट में देखो आउटपुट में आपका एवरेज इनकम पहले आया है कॉलम जो एवरेज इनकम का कॉलम था वो पहले आया है और पॉपुलेशन का कॉलम क्या आया है बाद में आया है ओके okay? अंडरस्टूड इस तरह से आप ऑर्डर जो कॉलम्स का ऑर्डर है उसको भी चेंज कर सकते हो कॉलम्स कॉलम्स columns. Columns, जब आप एक्सेस करोगे तो जो भी ऑर्डर में आपको चाहिए उस ऑर्डर उस ऑर्डर में आपको लिस्ट में पास करना है ओके नेक्स्ट वी हैव सिलेक्टिंग रोज एंड कॉलम साइमल्टेनियसली यूजिंग लॉक फंक्शन तो अभी हमें क्या करना है कि रो रोज और कॉलम्स को एक साथ एक्सेस करना है एक साथ सिलेक्ट करना है किसकी हेल्प से लॉक फंक्शन की हेल्प से अच्छा लॉक फंक्शन क्या है लॉक फंक्शन इज लेबल बेस्ड फंक्शन इसका क्या मीनिंग होता है डेट वी हैव टू स्पेसिफाई द रो लेबल और रो इंडेक्स और और कॉलम लेवल और कॉलम ने जो लॉग फंक्शन होता है उसके अंदर हम आपको रो का के जो लेबल्स है लेबल्स क्या होते हैं नेम फाइन रो के जो भी रोज चाहिए उनके नेम्स देने होंगे ओके एंड जो भी कॉलम्स चाहिए उनके नेम्स देने होंगे फाइन ओके क्योंकि लॉग फंक्शन क्या है लेबल बेस्ड फंक्शन है नेम बेस्ड फंक्शन है फाइन तो यहाँ पे आप इसको कैसे यूज करोगे डी क्या है आपका डेटाबेस का नेम डॉट लॉक ठीक है और लॉक के अंदर आपने दिया स्टार्ट रो मतलब आपको जो स्टार्टिंग का नेम चाहिए जो स्टार्ट स्टार्ट रो की जो लेबल होगा वो एंड रो जो एंड एंड वाली रो का लेबल होगा वो स्टार्ट कॉलम एंड एंड कॉलम अंडरस्टूड लॉग फंक्शन का हम यहाँ पे यूज करें लॉग फंक्शन क्या है लेबल बेस्ड और यू कैन से नेम बेस्ड ठीक है तो यहाँ पे आप रो का स्टार्टिंग uh, रो का नेम दोगे एंडिंग रो का नेम दोगे स्टार्टिंग कॉलम का नेम दोगे एंडिंग कॉलम का नेम दोगे फाइन ओके okay. तो एग्जांपल हम देखते हैं डी डॉट लॉक अब आपने क्या दिया डेली दिया ओके एंड मुंबई दिया फाइन डेली एंड मुंबई दिया डेली एंड मुंबई आपकी रोज एंड पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम आपके कॉलम ओके okay, तो देखो यहाँ पे जो हमारा डी था जिसके अंदर फोर रोज एंड थ्री कॉलम्स थे उसके अंदर से दो रोज आ गए हैं यहाँ पे दिल्ली एंड मुंबई ओके okay. एंड आपके पास टू कॉलम्स आ गए हैं पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम ओके तो मैंने यहाँ पे क्या किया ये पूरा एग्जीक्यूट करके कॉपी पेस्ट किया हुआ है जिप्यर नोटबुक से फ़ाइन आप इसको एग्जीक्यूट या इस सिंपल कमांड को आप क्या करोगे इसको एग्जीक्यूट कर करके देखोगे पहले आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे और फिर जो भी कमांड्स आ रहे हैं उन सबको आप एग्जीक्यूट करके देखोगे फाइन तो यहाँ पे देखो डेली एंड मुंबई आपने दो आ, क्या दी रोज नेम दिए तो रोज तो रोज आ गए एंड पॉपुलेशन एंड एवरेज इनकम आपके दो कॉलम आ गए ओके okay, हमने कॉलम सिलेक्शन कर दिया अब हम करेंगे रोज सिलेक्शन ठीक है सिलेक्शन बाय लेबल तो जो फर्स्ट वे है रोज uh, सिलेक्शन का वो क्या है सिलेक्शन बाय लेबल मतलब रो के नेम से आप या रो के लेबल से इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होना रो लेबल मींस रो का नाम जिसको हम रो इंडेक्स भी बोलते हैं ओके जब इंडेक्स बेसिकली टर्म हम तब यूज करते हैं जब इंटीजर फॉर्म में होता है ये इंडेक्स जीरो वन टू ओके अदरवाइज अगर स्ट्रिंग फॉर्म में तो हम लेबल वर्ड यूज करते हैं ठीक है टर्म लेबल टर्म यूज करते हैं फाइन और आप इसको नेम uh, भी बोल सकते हो तो यहाँ पे हम लेबल से क्या करेंगे रो को सिलेक्ट करेंगे रोज कैन बी सिलेक्टेड बाय पासिंग रो लेबल और रो नेम टू अ लॉक फंक्शन ओके लॉक फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर हम पास करेंगे रो रो लेबल रो नेम ठीक है ओके सिलेक्टिंग सिंगल रो लेबल अगर आपको सिंगल रो सिलेक्ट करनी है तो आप क्या uh, इस, तरे, इस इस तरह से कर सकते हैं डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉक फंक्शन और लॉक फंक्शन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में आपने पास कर दिया रो का नेम ओके okay? तो यहाँ पे हम सिंगल रो को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे हमने डेली पास किया तो क्या होगा ये डेली आपका डिस्प्ले हो जाएगा डेली सिलेक्ट हो जाएगा तो देखो यहाँ पे कॉलम्स आ गए पॉपुलेशन एवरेज इनकम कॉलम्स के नेम ओके okay, और ये आपका फर्स्ट रो आ गई फर्स्ट दिस एंड दिस ये आपका डेटा यहाँ पे आ गया नाउ यू कैन मैच दिस ठीक है ये आपका डेटा आ गया फाइन तो यहाँ पे क्या है ये फर्स्ट रो क्या हो गई सिलेक्ट हो गई फाइन डेली जिस जिस रो का लेबल क्या था डेली वो रो आपके आउटपुट में डिस्प्ले हो गई है ओके okay? Okay. अगर आपको मल्टीपल रोज को सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे लॉक फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा रोज का लेबल एज अ लिस्ट पास कर दोगे ठीक है तो हमने क्या किया डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉक लॉक फंक्शन के अंदर आपने किसको पास किया आपने लिस्ट ऑफ रो लेबल्स को पास किया तो यहाँ पे मैंने डेली कोलकाता ओके एंड चेन्नई तो मैंने यहाँ पे थ्री लेबल्स पास कर दिए इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ओके okay? ओके okay, तो यहाँ पे क्या करें मल्टीपल रो लेबल्स को पास कर रहे हैं एज अ लिस्ट इन लॉग फंक्शन ठीक है लॉग फंक्शन के अंदर हम मल्टीपल रो लेबल्स को पास करें ओके okay? तो यहाँ पे देखो आउटपुट में देखो आपके दिल्ली कोलकाता एंड चेन्नई यहाँ पे थ्री रोज क्या हो जाएंगी सिलेक्ट हो जाएंगी और यू कैन से आप थ्री रोज को यहाँ पे डिस्प्ले करा दोगे ओके okay? तो इस इस वे से आप क्या कर सकते हो मल्टीपल रोज को डिस्प्ले करा सकते हो नो नेक्स्ट मेथड क्या है सिलेक्शन बाय इंटीज़र लोकेशन इंटीजर लोकेशन या फिर इंटीजर इंडेक्स का यूज़ करके आप रोज़ को सिलेक्ट कर सकते हो रोज़ कैन बी सिलेक्टेड बाय पासिंग इंटीजर लोकेशन टू एन आई लॉक फंक्शन आई लॉक फंक्शन के आई स्टैंड फॉर इंटीज़र एंड लॉग स्टैंड फॉर लोकेशन ओके या इंटीजर इंडेक्स फाइन तो यहाँ पे सिलेक्टिंग सिंगल रो इंडेक्स ओके आप सिंगल रो को यहाँ से एक्सेस कर रहे हो आपने डेटा फ्रेम का नेम दिया डी टी एफ थ्री ओके कुछ भी हो सकता है नेम डॉट आई लॉक और आई लॉक फंक्शन में आपने पास कर दिया इंटीजर इंडेक्स तो हमने यहाँ पे जीरो इंडेक्स पास किया जीरो इंडेक्स हमेशा क्या होता है फर्स्ट रो का होता है तो यहाँ पे किसको डिस्प्ले करेगा यहाँ पे डिस्प्ले करेगा डेली वाली रो को फाइन ओके आई लॉक फंक्शन के अंदर हमेशा आई लॉक फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू को ही लेता है ठीक है आप हमेशा उसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही पास कर सकते हैं वो लेबल्स को नहीं लेता लेबल्स के लिए आपके पास लॉक फंक्शन होता है

रो ओके okay. अगर आपको मल्टीपल रो इंडेक्स मतलब मल्टीपल रोज को एक्सेस कराना है सेलेक्ट uh, कराना है तो आप क्या करोगे डेटा फ्रेम का नेम डॉट आई लॉक और आई लॉक के अंदर आप लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस पास कर दोगे इंटीजर in इंडेक्सेस तो यहाँ पे मैंने जीरो इंडेक्स पास किया टू इंडेक्स पास किया थ्री इंडेक्स पास किया फ़ाइन तो जो इस इंडेक्स पे जो भी रो होगी वो क्या हो जाएगी सिलेक्ट हो जाएगी डिस्प्ले हो जाएगी फाइन तो देखो जीरो इंडेक्स पे हमारा डेली है वन पे हमारा मुंबई है तो टू पे हमारा कोलकाता है एंड थ्री पे

ओके नेक्स्ट वी स्लाइस हम rows को एज अ स्लाइस कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं ठीक है रोज मतलब डेटा फ्रेम के अंदर रोज की स्लाइसेस आप बना के कैसे डिस्प्ले करा सकते हो राइट right? कैसे उनको सिलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल रोज कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग कॉलन ऑपरेटर आप कॉलन ऑपरेटर का यूज करके मल्टीपल रोज को सिलेक्ट कर सकते हो ओके okay? और कॉलन क्या होता है इट इज यूज्ड टू डिफाइन रेंज आल्सो ठीक है जो कॉलन होता है उससे आप रेंज डिफाइन करते हो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे डी क्या है डेटा फ्रेम का नेम आपने लिया जीरो आ, आ, इसके अंदर आपने रेंज को डिफाइन किया द हेल्प ऑफ कॉलन ऑपरेटर तो जीरो यहाँ पे क्या है इंडेक्स वैल्यू है जीरो कॉलन टू फाइन तो यहाँ पे हमने रेंज डिफाइन किए है कहाँ से जीरो इंडेक्स की रो से आ, आ, डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा कहाँ तक टू इंडेक्स अब जब हम रेंज डिफाइन करते हैं तो एंडिंग इंडेक्स क्या होता है ऑलवेज माइनस वन तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन तो ये जीरो इंडेक्स पे दिल्ली है और वन इंडेक्स पे क्या है मुंबई तो स्टार्ट कहाँ से होगा दिल्ली पे और एंड कहाँ पे होगा मुंबई पे समझ आया जब आप रेंज लेते हो ओके okay, रेंज हम कॉलम uh, uh, को यूज करके रेंज डिफाइन करते हैं ठीक है जब आप रेंज लेते हो जो एंडिंग इंडेक्स होता है रेंज में वो हमेशा माइनस वन होता है ठीक है तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे दिल्ली है वन पे मुंबई है ओके लेकिन हमारा एंडिंग इंडेक्स क्या है वन क्योंकि टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन तो आपकी कितनी रोज डिस्प्ले करेंगी टू रोज डिस्प्ले करेंगी दिल्ली एंड मुंबई फाइन ओके okay, तो यहाँ पे हमने क्या किया कॉलन ऑपरेटर का यूज करके रेंज डिफाइन की और रेंज की हेल्प से आपने सेलेक्ट कराया रोज को ओके okay? या डिस्प्ले कराया ओके okay? ओके न यूज ऑफ स्टेप वैल्यू अगर हम क्या करें रेंज में स्टेप वैल्यू भी ले रहे हैं ठीक है स्टेप वैल्यू क्या होती है कि आप कैसे डेटा को एक्सेस करोगे वन बाय वन करोगे या वन वन वैल्यू को छोड़ के एक्सेस करोगे या टू टू वैल्यूज़ को बीच में छोड़ के एक्सेस करोगे आपको कैसे डेटा को एक्सेस करना है ठीक है जब स्टेप वैल्यू वन होती है बाई डिफॉल्ट तो वन ही होती है स्टेप वैल्यू जब इस यहाँ पे देखो ये क्या है स्टार्टिंग वैल्यू ये है आपकी एंडिंग वैल्यू है और जो जो थर्ड आपने पैरामीटर दिया है वो आपकी स्टेप

आप लोगे सेकंड वैल्यू आप को एक्सेस आप एक्सेस नहीं कर पाओगे थर्ड वैल्यू आप लोगे ठीक है समझ आया जब स्टेप वैल्यू वन होती है होगी बाय डिफॉल्ट वन होती है जब आप स्पेसिफाई नहीं भी करते हो तब भी वो क्या लेता है वन लेता है स्टेप वैल्यू वन का मतलब कोई भी उसमें से डेटा स्किप नहीं कर सकते आप ओके वन बाय वन सारा डेटा आएगा स्टेप वैल्यू टू है तो मतलब आपकी वन जो अल्टरनेट uh, डेटा आपको मिलेगा फर्स्ट वैल्यू आपको मिलेगी सेकंड नहीं मिलेगी थर्ड आपको मिलेगी ऐसे अगर स्टेप वैल्यू थ्री है तो बीच में दो दो वैल्यूस आप छोड़ेंगे फाइन तो यहाँ पे देखो इस जीरो से हमने स्टार्ट किया एंड कहाँ पे होगा फोर माइनस वन थ्री तो ये हमारा जीरो पे डेली है ठीक है ओके अभी तो हमने ये क्या किया कि ये हमारा हो जाएगा जो हमारी एंडिंग वैल्यू है वो है थ्री

ठीक है वन इंडेक्स की नहीं आएगी क्योंकि स्टेप वैल्यू क्या है टू और जब टू स्टेप वैल्यू टू होती है तो आप एक एक वैल्यू एक एक रो छोड़ के चलोगे ठीक है तो आ, हमने मुंबई को छोड़ दिया फिर कोलकाता आया जो किस पे इंडेक्स वैल्यू पे आपका टू पे है ठीक है और फिर हमने थ्री को छोड़ा थ्री की बात है ही नहीं तो हमारी दो दो रोज डिस्प्ले हो गई यहाँ पे ओके तो यहाँ पे हमने रेंज को यूज करके रोज को डिस्प्ले कराया है या तो आप सिंपल डेटा फ्रेम का नेम ओके okay, और रेंज दे सकते हो उससे आपकी रोज डिस्प्ले हो जाएंगी या फिर आप आई लॉक फंक्शन का भी यूज कर सकते हो ठीक है मल्टीपल रोज के आईलॉक फंक्शन तो यहाँ पे हमने डेटा फ्रेम का नेम दिया डॉट आई लॉक और आई लॉक के अंदर आपने क्या किया है रेंज दे दी है जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा ठीक है फोर पे फोर uh, मतलब फोर माइनस वन थ्री थ्री इंडेक्स पे स्टॉप होगा और स्टेप वैल्यू टू है तो हमने जीरो पे स्टार्ट किया हमारा आ गया डेली डेली आ गया ठीक है स्टेप वैल्यू टू है तो हम क्या करेंगे ए, एक वैल्यू को छोड़ेंगे फिर हम वन को प्रिंट कराएंगे यहाँ पे हमने वन को प्रिंट करा दिया फिर हमारा टू क्या होगा स्किप होगा और ट्रू के बाद हमारे पास कुछ नहीं है तो सेम ही रिजल्ट आएगा जो आपने अभी किया था डी टी एफ थ्री और सेम रेंज दी थी यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया आई लॉग फंक्शन और एक्स्ट्रा लगा दिया है फाइन तो यहाँ पे आपकी दो रोज़ क्या हो गई सिलेक्ट हो गई है और यू कैन से डिस्प्ले हो गई okay children now we will meet in next video with next topic of uh, data handling using pandas one uh, that we are doing in hindi right now okay till then keep studying uh, be happy be safe subscribe my channel for more useful videos